गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यू आर ऑल वेलकम बाय दिनेश मिगलानी सर। ये हमारा क्लास प्लस वन का एक्सरसाइज 9.3 का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है, दैट इज एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। इस वीडियो के थ्रू हम लोग एक्सरसाइज 9.3 जो बेसिकली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से डील करती है उसके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वन बाय वन, जो हमारी एनसीईआरटी बुक में गिवन है। आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते टाइम आप अपनी एनसीईआरटी बुक अपने पास रखिए ताकि आप स्टेटमेंट्स को वहां से पढ़ सकें और सॉल्यूशंस को हम वन बाय वन यहां पर देखेंगे। आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए एवं कमेंट करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारे वीडियोस पहुंच सकें। चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज, क्लास प्लस वन, एक्सरसाइज 9.3, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और जो कॉन्सेप्ट है वो हमने अलग वीडियोस में हर चैप्टर के गिवन है। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन हेयर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमें गिवन है, यहां पर हमें एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 20th टर्म निकालनी है और nth टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन हमें गिवन है 5/2, 5/4, 5/8, 5/2, 5/4, 5/8 एंड सो ऑन। हमें इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 20th और nth टर्म फाइंड करनी है, राइट। अब देखो आप क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। अगर हम स्टेटमेंट को स्टार्ट करें तो फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है, 5/2 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहां पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो निकालते हैं तो कॉमन रेशियो क्या बनेगा, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहां से जो कॉमन रेशियो आएगा वो हमारा हो जाएगा 2/4, जो कि 1/2 के इक्वल है। ओके, अब जीपी में nth टर्म होती है a इंटू आर रेस टू पावर n माइनस वन, क्योंकि हमें t20 निकालनी है तो फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है, 5/2 इंटू कॉमन रेशियो है 1/2, 1/2 पावर 20 माइनस वन, तो ये बन जाएगा 5/2 इंटू 1/2 रेस टू पावर 19। तो अगर हम सॉल्व कर दें तो 5/2 रेस टू पावर 20। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर जो nth टर्म आएगी वह आ जाएगी 5/2 रेस टू पावर, सॉरी दैट इज द 20th टर्म। और वहीं अगर आपने nth टर्म निकालनी है तो nth टर्म हो जाएगी tn, a 5/2 है, 1/2 रेस टू पावर n माइनस वन, तो ये कौन सी टर्म हो जाएगी, nth टर्म हो जाएगी। ये हमारे स्टेटमेंट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम 20th और nth टर्म को इस पैटर्न पे फाइंड करेंगे। इसके बाद हमारा स्टेटमेंट नंबर टू है, फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए जीपी। एक जीपी की हमें 12th टर्म फाइंड करनी है, वोज 8th टर्म इज गिवन, कितनी गिवन है, 192। ठीक है, और ऐसे ही कॉमन रेशियो जो गिवन है वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। ठीक है, तो हमें जीपी की 12th टर्म फाइंड करनी है जिसका 8th टर्म 192 है और कॉमन रेशियो कितना है, 2 है। तो कैसे फाइंड करेंगे, लेट अस स्टार्ट विद दिस। फर्स्ट टर्म हमने ए अज्यूम कर लिया, 8th टर्म का मतलब होता है a इंटू आर रेस टू पावर 7, 192 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन r का वैल्यू 2 है तो a इंटू 2 रेस टू पावर 7 कितना हो जाएगा, 192। ठीक है, अब यहां से अगर हम सॉल्व करें तो 2 रेस टू पावर 7 होता है 128, तो 192 डिवाइड बाई कितना हो गया, 128 हो गया। इसे सॉल्व कर दें तो ये सॉल्व होके वैल्यू जो है 3/2 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि 64 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 64 3 एंड 2। तो हमारे पास में अब क्या आ गया, फर्स्ट टर्म कितनी आ गई, 3/2, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें निकालनी है 12th टर्म। तो 12th टर्म का मतलब होता है a इंटू आर रेस टू पावर 11, तो 3/2 इंटू 2 रेस टू पावर 11, तो ये कितना बन जाएगा, 3 इंटू 2 रेस टू पावर 10, राइट। तो क्या कह सकते हैं, 12th टर्म जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की है कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 2 रेस टू पावर 10, जिसको अगर हम सॉल्व कर दें तो 2 रेस टू पावर 10 होता है 1024, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में 12th टर्म आ जाएगी 3072। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो 12th टर्म है 3072 के इक्वल होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, दैट इज स्टेटमेंट नंबर 3। क्या गिवन है, 5th टर्म, 8th टर्म एंड 11th टर्म। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसकी 5th टर्म हमें गिवन है p के इक्वल, और ऐसे ही 8th टर्म गिवन है q के इक्वल,
और इलेवेंथ टर्म गिवन है एस के इक्वल, ठीक है। तो हमें ये शो करना है, ये सारा जी पी है, तो हमें ये शो करके बताना है कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस। ये रिजल्ट हमें शो करके बताना है कि क्यू स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है, पी एस के इक्वल है, राइट। तो अब आप ये देखो भी हम क्या हमें गिवन है और कैसे सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फोर्थ टर्म गिवन है, तो हम अज्यूम कर लें अगर कि फर्स्ट टर्म कितनी है ए और कॉमन रेशियो कितना है आर, तो टी फाइव हो जाएगा ए इंटू आर एस टू पावर फोर का वैल्यू कितना हो गया पी, ऐसे ही ए इंटू आर एस टू पावर सेवन का वैल्यू हो जाएगा क्यू, और ए इंटू आर एस टू पावर टेन का वैल्यू कितना हो जाएगा एस। ये चीज आ गई हमारे पास में, ठीक है। अब आप देखो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है पी एस इज इक्वल टू कितना है क्यू स्क्वायर। इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू, और ये कितना इक्वेशन नंबर थ्री है, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में पी एस चाहिए तो हमने वन को थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी ए इंटू आर एस टू पावर फोर इंटू ए इंटू आर एस टू पावर टेन, और ये बन गया पी इंटू एस। यहां से बन जाएगा ए स्क्वायर इंटू आर एस टू पावर फोर्टीन इक्वल टू कितना हो गया पी एस। अगर हम इसको लिख लें ए इंटू आर एस टू पावर सेवन, तो ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो गया पी एस हो गया। अब ए इंटू आर एस टू पावर सेवन क्या है क्यू, तो आप इसे लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस, तो दैट इज अवर आंसर। तो यही हमें प्रूव करके दिखाना था कि हमारे पास में जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसमें फर्स्ट टर्म मतलब फिफ्थ टर्म, एट्थ टर्म और इलेवेंथ टर्म गिवन है, तो उसको यूज करके हम ये बता सकते हैं कि क्यू स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होगा, पी एस के इक्वल होगा। नेक्स्ट इज अवर स्टेटमेंट नंबर फोर। क्वेश्चन है फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी, फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी टी फोर इज स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, टी फोर इज स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, राइट। एक तो ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, इसके बाद में आपको कहता है इफ फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी इज इक्वल टू माइनस थ्री, फर्स्ट टर्म गिवन है जीपी की कितनी है माइनस थ्री है, तो आपको सेवंथ टर्म ऑफ द जीपी फाइंड करना है, ठीक है। मतलब क्या गिवन है कि फोर्थ टर्म इज द स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म माइनस थ्री है, हमें आंसर में टी सेवन फाइंड करना है। तो देखो आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म माइनस थ्री है, हमने लिखा माइनस थ्री, फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म होता है ए इंटू आर रेज टू पावर थ्री, सेकेंड टर्म होती है ए आर, तो फोर्थ टर्म जो है वो सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दिया, दोनों इक्वल है, तो ये बन जाएगा ए इंटू आर रेज टू पावर थ्री इक्वल टू ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए से कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से आर की वैल्यू ए आ गई, इसका मतलब ए अगर माइनस थ्री है तो आर का वैल्यू भी कितना आ गया माइनस थ्री। एक चीज हम कह सकते हैं, अब हमें आंसर में निकालना है टी सेवन, टी सेवन होगा ए इंटू आर एस टू पावर सिक्स हो जाएगा आर एस टू पावर एन माइनस वन, तो माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री रेस टू पावर सिक्स, राइट। तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस टू वन एट सेवन, तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो सेवंथ टर्म आएगी वह कितनी आएगी माइनस टू वन एट सेवन के इक्वल होगा, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सेवंथ टर्म जो है माइनस टू वन एट सेवन के इक्वल रहेगा। लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज स्टेटमेंट नंबर फाइव। इसके थ्री पार्ट्स हैं और देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कि हमारे पास में एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है, जैसे फर्स्ट पार्ट लेते हैं तो सीक्वेंस गिवन है टू, फिर गिवन है टू रूट टू, फिर गिवन है फोर, तो आपको ये बताना है कि इस जीपी की कौन सी टर्म 128 है, ठीक है। मतलब विच टर्म ऑफ द जीपी इज 128, इसका मतलब ये है कि हमें क्वेश्चन में जो गिवन है क्या गिवन है, हमें फर्स्ट टर्म गिवन है टू, या अगर हम कॉमन रेशियो निकालेंगे तो रूट टू आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टी एन गिवन है 128, राइट। अब आप ये देखो भी टी एन कैसे फाइंड करते हैं, टी एन का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर रेस टू पावर एन माइनस वन, ये वैल्यू हो जाएगी 128, सॉल्व करके हमें यहां से एन का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हैं टू इंटू टू रेस टू पावर एन माइनस वन बाय टू इक्वल टू 128, बेस सेम है तो पावर साइड हो जाएंगी, तो वन प्लस एन माइनस वन बाय टू
इक्वल टू 128, तो 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर n प्लस 1 बाय 2 इक्वल टू 128। ठीक है, तो एक तरह से अब आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और 128 कितना होता है, 2 रेज टू पावर 7। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये कह सकते हैं कि n प्लस 1 बाय 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। यहां से आप n की वैल्यू निकालेंगे, 14 माइनस 1 13, राइट। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि ये इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो 13th टर्म है वो कितनी हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू 128। ठीक है, तो इसका जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर रहा, बिल्कुल सेम वैरायटी का क्वेश्चन है, आपको केवल n की वैल्यूज निकालनी है, तो आप बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं। लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन ये गिवन है कि माइनस 2 बाय 7 एक्स और माइनस 7 बाय 2, ये तीनों टर्म्स किसके अंदर हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर हैं। इस कंडीशन को यूज करके आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, अब आप देखो, अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें ये पता है कि अगर ए बी सी थ्री टर्म्स हैं और तीनों टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर हैं, तो इसका मतलब होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। क्या मतलब होता है इसका, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो अब यहां बी की वैल्यू एक्स है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 2 बाय 7 इंटू माइनस 7 बाय 2, तो एक तरह से ये तो 1 हो गया, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई, तो यहां से जो एक्स की वैल्यू आएगी दैट इज प्लस माइनस 1, तो दैट इज अवर आंसर, क्योंकि तीनों टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर हैं, तो यहां से एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी प्लस माइनस 1 के इक्वल होगा, दैट इज अवर आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्या गिवन है, एक सीक्वेंस चल रही है 0.15, 0.015, 0.0015, और हमें क्या करना है, ये 20 टर्म्स तक सीरीज जा रही है, राइट। आपको सम निकालना है 20 टर्म्स का, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स हमें यहां पर फाइंड करना है कि फर्स्ट 20 टर्म्स का सम किसके इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को समझे तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म कितने की बना है, 0.15, सेकंड हम कॉमन रेशियो निकालेंगे r, तो r हो जाएगा 0.015 डिवाइड बाय 0.15, तो यहां से r का वैल्यू कितना आ गया, 1/10 आ गया, क्योंकि हमें 20 टर्म्स का रेशियो निकालना है, तो हम यहां पे sn का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि r 1 से लेस है, तो sn का फॉर्मूला हम लगा लेते हैं, a इंटू 1 माइनस r रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। ठीक है, तो a फर्स्ट टर्म है 0.15, 1 माइनस 1 बाय 10 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय 10। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, तो अब हमें n की वैल्यू कितनी है, 20 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 20 पुट कर देंगे, तो 0.15 ये बन जाएगा हमारे पास में 1 माइनस 1 बाय 10 रेज टू पावर 20, और डिवाइड में कितना हो गया, 9 बाय 10 हो गया, क्योंकि 1 माइनस 1 बाय 10 करेंगे कितना हो जाएगा, 9 बाय 10, 10 ऊपर चला जाएगा, तो 10 अगर ऊपर चला जाएगा तो ये एक तरह से बन जाएगा 15 इंटू 10 डिवाइड बाय 900। ठीक है, और यहां हम लिख दें इसे, तो 1 माइनस 1 बाय 10 रेज टू पावर 20, राइट, तो 10 जीरो से कैंसिल आउट हो गया, तो 1 बाय 6 इंटू 1 माइनस 1 बाय 10 रेज टू पावर 20, दैट बिकम्स योर आंसर। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इस तरह से, अगर आपको 20 टर्म्स का सम फाइंड करना है तो दैट इज द सम ऑफ द 20 टर्म्स, दैट बिकम्स योर वैल्यू। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट नंबर 8। 8th में हमें गिवन है कि वन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज गिवन, और हमें n टर्म्स का सम फाइंड करना है, और जीपी गिवन है रूट 7, अनरूट ऑफ 21, 3√7, इट गोज अप टू n टर्म्स। ठीक है, आपको जीपी का सम फाइंड करना है,
अब अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इस जीपी में फर्स्ट टर्म कितनी है, रूट सेवन है, कॉमन रेशो हो जाएगा रूट 21 डिवाइड बाय रूट सेवन, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट थ्री आ जाएगी, दैट इज द कॉमन रेशो। हमें एन टर्म्स का सम निकालना है एसएन, तो एसएन का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अगर डेनोमिनेटर में रूट वाली टर्म है तो बेटर है कि आप इसे रेशनलाइज कर देंगे। तो हमने इसे रूट थ्री प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दिया, रूट थ्री प्लस वन से डिवाइड कर दिया, तो रूट सेवन इंटू रूट थ्री रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू रूट थ्री प्लस वन, और नीचे हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो थ्री माइनस वन कितना हो गया टू, दैट बिकम्स अवर आंसर, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, हमारे क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा दैट इज अंडर रूट ऑफ सेवन रूट थ्री रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू रूट थ्री प्लस वन, दैट इज अवर आंसर, राइट। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर नाइन। नाइन्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक जीपी चल रहा है वन माइनस ए ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब, ठीक है, और हमें इस जीपी का एन टर्म्स का सम फाइंड करना है, हमें जीपी का एन टर्म्स का सम फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर हम देखो सॉल्यूशन में समझें तो फर्स्ट टर्म कितनी गिवन है वन, और कॉमन रेशियो जो हमें गिवन है वो कितना हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा, कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा माइनस ए, और क्वेश्चन में गिवन है कि ए इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, स्टेटमेंट में गिवन है कि ए माइनस वन के इक्वल नहीं है। तो फर्स्ट टर्म कितनी होगी वन, कॉमन रेशियो कितना हो गया माइनस ए, अब माइनस ए तो वन से छोटा ही होता है, तो इसका मतलब आप एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे ए इंटू वन माइनस आर रेज टू पावर एन, ठीक है, डिवाइडेड बाय वन माइनस ऑफ माइनस ए, राइट। तो ये कितना बन गया वन माइनस माइनस ए रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय वन प्लस ए हो गया, तो दैट इज अवर आंसर कि एन टर्म्स का जो सम हो जाएगा वह कितना हो जाएगा वन माइनस माइनस ए रेज टू पावर एन बाय वन प्लस ए, दैट इज अवर वैल्यू। नेक्स्ट वन इज स्टेटमेंट नंबर टेन। हमें एक जीपी गिवन है जिसमें टर्म्स गिवन है एक्स क्यूब एक्स रेज टू पावर फाइव एक्स रेज टू पावर सेवन एंड सो ऑन, और जहां हमें गिवन है कि एक्स इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस वन, तो आपको जीपी का सम निकालना है, राइट। तो देखो इसमें अगर आप ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया एक्स क्यूब, और अगर आप कॉमन रेशियो निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो सम ऑफ द जीपी हम लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट, कितना बन जाएगा ए इंटू वन माइनस आर रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला लग गया डायरेक्ट, तो दैट बिकम्स अवर आंसर कि जीपी की जो एन टर्म्स का सम है वह इसके इक्वल होगा, दैट इज योर आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। ये सारे क्वेश्चंस एक ही वैरायटी के थे, अब 11th क्वेश्चन डिफरेंट है। 11th क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, हमें इवेल्युएट करना है, किसको इवेल्युएट करना है, सुमेशन का सिंबल देके गिवन है, सुमेशन ऑफ 2 प्लस 3 रेज टू पावर के वेयर के इक्वल टू 1 इट गोज अप टू 11। हमें इस चीज को इवेल्युएट करना है, k की वैल्यू 1 से लेकर 11 तक है 2 प्लस 3 रेज टू पावर k। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले तो सुमेशन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। देखिए सुमेशन का मतलब होता है कि k की वैल्यू 1 से लेकर 11 तक है और वो हमें इसमें पुट करना है सबको ऐड करके। तो पहले मैं k को 1 पुट करूंगा तो फर्स्ट टर्म बन जाएगी एक तरह से 2 प्लस 3, फिर आप 2 पुट करेंगे क्योंकि 2 में तो k है नहीं, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर, ऐसी बनेगा 2 प्लस 3 क्यूब, और इस तरह से ये वैल्यू कहां तक जाएगी 11 टर्म्स तक जाएगी, तो 2 प्लस 3 रेज टू पावर 11 ऐसा बन गया। अब देखो 2 कितनी बार ऐड हुआ, 11 टाइम्स ऐड होगा, तो ये तो हो जाएगा 2 इंटू 11 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब इट गोज अप टू 3 रेज टू पावर 11, ये हमें निकालना है, राइट। अब 2 इंटू 11 कितना हो गया 22 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब अप टू 3 रेज टू पावर 11,
तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी है 3, और कॉमन रेशियो कितना आ रहा है 3, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 11। तो जीपी का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, 22 प्लस 3 बाय 2 इंटू 3 रेज टू पावर 11 माइनस वन, दैट बिकम्स अवर आंसर, राइट। तो दैट इज अवर आंसर कि ज्योमेट्रिक ये जो सीक्वेंस हमें गिवन है, समेशन का जो कॉन्सेप्ट गिवन है, इसके अंदर अगर आपको सम फाइंड करना है तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। नेक्स्ट वन इज स्टेटमेंट नंबर 12। अब देखो ट्वेल्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 39। सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ ए जीपी, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसकी थ्री टर्म्स का जो सम है वो कितना दे रखा है, 39/10 है। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की पहली थ्री टर्म्स का सम है 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। उनका प्रोडक्ट कितना गिवन है, 1 के इक्वल गिवन है। तो आपको क्या निकालना है, कॉमन रेशियो फाइंड करना है, ठीक है, और इसके साथ साथ हमें टर्म्स फाइंड करनी है, टर्म्स हमारी क्या हो जाएंगी। तो दो चीजें हमें फाइंड करनी है, पहली चीज हमें कॉमन रेशियो फाइंड करना है, और कॉमन रेशियो के साथ साथ हमें टर्म्स फाइंड करनी है कि टर्म्स हमारी क्या क्या होंगी। देखो ये बेसिक रूल होता है किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, जहां आपको थ्री टर्म्स अज्यूम करनी है, तो हम टर्म्स अज्यूम करते हैं ए अपॉन आर, ए और ए आर, ये हमारा अजम्पशन होता है। ए बाय आर, ए और कितना हो जाएगा, ए आर हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो गिवन है, थ्री टर्म्स का सम गिवन है, कितना है, 39/10 है। तो आप इसे लिखिए ए अपॉन आर प्लस ए प्लस ए आर, ये वैल्यू कितनी हो गया, 39/10 हो गया। सेकंड हमें गिवन है इनका प्रोडक्ट 1 है, इसका मतलब ए बाय आर इंटू ए इंटू ए आर कितना हो गया, 1 हो गया, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो ए क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, 1, तो ए कितना हो गया, 1 के इक्वल हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म हमारी कितनी हो जाएगी, 1। अब 1 को यहां पुट कर लो तो 1 बाय आर प्लस 1 प्लस आर इक्वल टू 39/10। ठीक है, अब आप यहां इसे सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद आर का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी 10 आर स्क्वायर माइनस 29 आर प्लस 10 इक्वल टू 0। फैक्टर बनाएंगे, 10 इंटू 10 कितना होता है, 100 होता है, तो 25 इंटू 4 माइनस 25 एंड माइनस 4, जहां से हमारी इक्वेशन बन जाएगी ये 5 आर माइनस 2 इंटू 2 आर माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आर की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक आ जाएगी 2/5 और एक कितनी आ जाएगी, 5/2। तो यहां से हमारी आर की दो वैल्यूज आ जाएंगी 2/5 और सेकंड कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। ओके, तो फर्स्ट टर्म 1 है, तो इसका मतलब टर्म्स भी हम निकाल लेंगे। फर्स्ट टर्म हमारी 1, ए हमारा 1 है, तो एक बार हो जाएगा ए बाय आर। ए बाय आर का मतलब अगर हम आर को 2/5 लेते हैं, देखो जैसे अगर हम आर को 2/5 लेते हैं तो ए बाय आर 5/2 आर और कितना हो जाएगा, 2/5। वही अगर हम आर को 5/2 लेते हैं तो ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा, 5/2, राइट। तो इस तरह से हम अपनी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं, कैसे कि जहां पर हमें ये गिवन है, कॉमन रेशियो पहले फाइंड कर लिया, और कॉमन रेशियो फाइंड करने के बाद में वी कैन आंसर अवर प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज क्वेश्चन नंबर 13। अब व्हाट इज गिवन इन दिस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 13, इन दिस क्वेश्चन हमें गिवन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ ए जीपी। एक जीपी गिवन है 3, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब एंड सो ऑन आर नीडेड टू गिव ए सम ऑफ 120। मतलब कि मान लो इसमें एन टर्म्स हैं, तो एस एन की वैल्यू 120 गिवन है, आपको एन का वैल्यू सॉल्व करके बताना है कि फाइंड एन, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हमारा स्टेटमेंट है। ओके, तो देखो कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म कितना है 3 और कॉमन रेशियो कितना है 3। ठीक है, क्योंकि जीपी है तो जीपी का सम होता है ए इंटू आर रेस टू पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा।
थ्री विल गो ऑन 40, तो यहां से हम लिख सकते हैं 3^n-1 इक्वल टू 80, और आप कह सकते हैं 3^n कितना हो जाएगा 81, तो फ्रॉम हेयर वी कैन से 3^n इक्वल टू 3^4, n इक्वल टू 4, राइट। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि अगर Sn की वैल्यू 120 है तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, दैट बिकम्स अवर आंसर, ठीक है। तो दिस इज एंड टू अवर दिस पार्ट, पार्ट वन ऑफ एक्सरसाइज 9.3। इसके अंदर हमने 1 से लेकर 13th क्वेश्चन सॉल्व करे, सेकेंड पार्ट में हम 13 से ऑनवर्ड्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। फॉर मोर वीडियोज आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या आप हमसे पेनड्राइव कोर्स परचेज कर सकते हैं, विच आर इन प्रोसेस। थैंक यू वेरी मच।